सीएलसी की इस पावन धरा से बच्चों को पहला सुख निरोगी काया का उपहार देने के लिए इस प्रकार का समागम, इस प्रकार का अद्भुत दृश्य और इस प्रकार की सेवा कोई कर सकता है तो वो एक ही नाम है, श्रवण चौधरी। सुना है बड़े वो शिद्दत से कहा जाता है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले शायर, सिंह और सपूत। जिस व्यक्ति की जिद ने, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, वो है श्रवण चौधरी, जिसने इस शिक्षा नगरी को, इस सीकर को एक मुकाम दिया, एक ऐसी जगह दी। लोग कहते हैं एजुकेशन हब सीकर, अरे जिद थी श्रवण चौधरी की। डॉक्टर ओला साहब, मेरे बड़े भ्राता ने भी कहा कि ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये ऊंची ऊंची इमारतें कहीं दिखती है, अरे नहीं, दिलों में बसता है श्रवण चौधरी, और उसी का परिणाम है जिद की। तब यह परिणति आई कि गर्व से कह रहा है ओंकार कि हजार बच्चे हर वर्ष गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीएलसीएन होके जाते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज, उसी जिद का परिणाम है कि आज डॉक्टर उमेश दायल बीसीएमओ पिपराली बनके मनसासीन है। और संस्कार देखिए, जब गुरु स्वागत कर रहा था अपने शिष्य का तो शिष्य की आंखों में आंसू थे और उसकी चरणों की तरफ उसके हाथ थे। यह है परंपरा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय, आज प्रथम बार सीएलसी के इस पावन प्रांगण में पधारे हैं। सर, यहां संस्कार, यहां ज्ञान, और मैं कहूं कि बच्चों में एक जज्बा पैदा किया जाता है और वो जज्बा हर सीएलसीएन के आंखों में दिखता है, और उसी का परिणाम है कि जीत की जीत लेके जाते हैं। और ये प्रोग्राम चूंकि आप जैसे सहरदे जिला कलेक्टर महोदय के हाथों से और जिनके नेतृत्व में यह अभियान सीकर जिले में चलाया जाना है, उनके हाथों से और इस सीएलसी की पावन धरा में जहां गुरु को अपना भगवान माना जाता है। मैं सरुण भाई कल परसों ही देख रहा था आपका एक वीडियो यूट्यूब पे, तो उस वीडियो देख के और मैं इस तरह से हो गया कि देखिए, इस आदमी की जीत में एक कारण है कि गुरु गोविंद को दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद अपने गुरु आपने गोविंदियों बताए। तो इस प्रकार का गुरु जब आपको मिल गया, इन सीएलसीएन को मिल गया, तो निश्चित रूप से जीत निश्चित है। एक बार पुनः पूरे सीएलसीएन के लिए मैं करूं जय सीएलसीएन, जय सीएलसीएन।